तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हर संडे की तरह मैं इस संडे भी आज जा रहा हूँ, आप लोग को लेके जा रहा हूँ अलगिया घुमाने के लिए। तो हमारे साथ है एक मेरे दोस्त, ठीक है। और बात बाकी जा रहा हूँ मैं अभी बेलोर मठ, तो वहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो चलिए जाके दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है और कैसा है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ हावड़ा जंक्शन पे, और बेलूर मठ जाने के लिए यहाँ से बेलूर के लिए लोकल ट्रेन पकड़ना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ। तो ये हमारे ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस ट्रेन पे बैठूँगा और यहाँ से चलूँगा बेलूर के लिए, ठीक है। तो ट्रेन पे भीड़ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए अंदर कितना सारा भीड़ है। तो ऐसे में ही आपको भी सफ़र करना होगा बेलूर तक। तो चलिए बेलूर पे मिलता हूँ। तो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बेलूर स्टेशन, उसके बाद यहाँ से मुझे पकड़ना पड़ेगा टोटो, उसका टोटो से पकड़ के मैं जाऊँगा यहाँ से बेलूर मठ तक। तो चलिए देखता हूँ टोटो किधर मिलता है, उसके बाद वहाँ से टोटो पकड़ता हूँ। बेलूर मठ पे जब ये प्लेटफॉर्म 1 नंबर वाले सीढ़ी पे चढ़िएगा तो दाहिने तरफ जाइएगा। दाहिने तरफ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे साइड से एक सीढ़ी उतरा होगा, उस सीढ़ी से उतरिएगा। सीढ़ी से उतरने के बाद वहाँ पे आपको देख सकते हैं उस जगह आपको जाना है। तो उस जगह जाने के बाद चलिए वहाँ पे मैं पहले नीचे चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा दूर आगे जाने के बाद आपको यहाँ से टोटो मिलेगा, जैसा कि बताया गया यहाँ पे, किसी से पूछा तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें टोटो मिलता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पूछिएगा बेलूर के लिए टोटो, तो टोटो पे बैठ जाइएगा, उसको चल जाइएगा बेलूर मठ के पास। उतारा, उसके बाद यहाँ से आगे घाट तक तो टोटो नहीं ले जाना चाह रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को भी उतारेगा, उसके बाद आप लोग अगर जाना चाहे तो यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पैदल, उसके बाद वहाँ पे मिलते हैं आपसे। तो ये हम बेलूर मठ के मेन द्वार पे आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं यहाँ पे बेलूर मठ के बारे में आप लोग को बहुत सारा नॉलेज बताऊँगा, तो वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बेलूर मठ धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको पूरा बताता हूँ इसके बारे में। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये शौचालय है यहाँ का, शौचालय का देख सकते हैं रंग रूप कैसा बना हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब बेलूर मठ के बारे में बताता हूँ। आप देख रहे हैं बेलूर मठ, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। वर्तमान समय में यह मठ भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, तथा स्वामी रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी विवेकानंद के विश्व भर में विस्तृत श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जो भी विवेकानंद को मानते हैं उसके लिए यह सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो आप भी यहाँ घूमने आ सकते हैं अगर आप भी विवेकानंद को मानते हैं। तो चलिए मैं मठ के बारे में और थोड़ा कुछ कुछ बता देता हूँ। तो ये मठ जो है, यह आपका खुलने का समय सुबह 6:30 में खुलती है और फिर 11:30 में बंद हो जाती है, तथा फिर से यही मठ शाम में 3:30 को खुलती है और 8:30 तक बंद हो जाती है। तो आप इसके बीच में जाकर मठ में जाए और बहुत ही भावपूर्ण ढंग से स्वामी विवेकानंद को अगर मानते हैं तो जाइए और उसको श्रद्धांजलि दीजिए, और बाकी आप सब घूमने भी आ सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो पे पूरा बताया हुआ है कि कैसे कैसे आना है। तो अंदर जाके पूजा नहीं देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले लगाया गया है, उस पर आप लोग पूजा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग बैठ के यहाँ पे डिस्प्ले पे ही पूजा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप भी बैठ के देख सकते हैं अगर अंदर नहीं जा सकते हैं तो, और अगर चले गए तो अच्छी बात है। और बाकी मैं इधर आगे चलता हूँ, तो थोड़ा सा देखता हूँ आगे चलने के बाद कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक बड़ा सा LCD लगाया हुआ है, जिसमें कि आप लोग को पूरा बेलूर मठ का डिस्प्ले किया हुआ है मैपिंग के द्वारा, देख सकते हैं।
आपको पूरा मैपिंग यहाँ पे दिखेगा ऊपर से टॉप व्यू पे कि कैसा दिखता है। इधर एक साइड में देखिएगा तो यहाँ पे निःशुल्क जूता घर है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है निःशुल्क जूता घर। तो यहाँ पे आप लोग अपना जूता खोल के रख सकते हैं। देखते हैं काउंटर वन पे 1 से 500 जूता रख सकते हैं, काउंटर टू पे 500 1 से 1000 और काउंटर थ्री पे 1000 से 1400 के लगभग। तो आप लोग 1400 जूता एक साथ रख सकते हैं यहाँ पे, तो जिसको जिसको रखना हो निःशुल्क रख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग दोनों दोस्त यहाँ पे चाट खा रहे हैं, देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से जितना हो सके उतना बेलूर मठ के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से ही हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बना पाऊँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बाय बाय।